इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें रायपुर से, जहां लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। सभी 11 लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू भी साथ में मौजूद हैं। राजधानी के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। 11 लोकसभा क्षेत्रों के तमाम निर्वाचन अधिकारी यहां मौजूद हैं। सर्किट हाउस में मतगणना को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू भी इस दौरान मौजूद हैं और मतगणना को लेकर सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजधानी के सर्किट हाउस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, मतगणना को लेकर सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, 11 लोकसभा क्षेत्रों के सभी अधिकारी मौजूद हैं। देखिए शिवम, लोकसभा चुनाव जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, उसके बाद अब मतगणना को लेकर जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और इसी के तहत जो आज जितने उप जिला निर्वाचन अधिकारी और जितने 11 लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनका आज प्रशिक्षण कार्यक्रम राजधानी के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू भी मौजूद हैं। और एक तरह से जिस तरह से मतगणना स्थल बनाया जाता है उसी तरह से प्रैक्टिकल के तौर पर मतगणना स्थल यहाँ पर बनाया गया है। किस प्रकार से वहाँ पर मतगणना करनी है, क्या क्या चीजों को रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है, सभी चीजों को जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको सिखाया जा रहा है। खुद मुख्य जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं सुब्रत साहू पूरे मॉनिटरिंग इस पर कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ है और देर शाम तक यह कार्यक्रम चलेगा। और पूरी तरीके से एक तरह से देखा जाए तो ट्रेनिंग देने की यहाँ पर कोशिश है और कहीं किसी भी तरीके से मतगणना स्थल में ऐसा ना हो कि कोई अपनी स्थिति घटे, इसके लिए भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। कोई विवाद ना हो इसके लिए भी ध्यान रखा जा रहा है। तो कार्यक्रम शाम तक चलेगा, अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुक्रिया हेमंत जानकारी के लिए।